चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको जानकारी दे दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार। सरेंडर के बाद मोगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतपाल ने गुरुद्वारे में ली शरण। मोगा के रोड़ा गांव से ये गिरफ्तारी की गई है। 18 मार्च से फरार चल रहा था अमृतपाल। और आपको ये भी बता दें कि अमृतपाल पर पंजाब पुलिस का ट्वीट सामने आया है। मोगा से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी खुद ट्वीट के माध्यम से पुलिस ने दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लंबे वक्त से अमृतपाल सिंह जो है फरार चल रहा था। इससे पहले उसके कई साथियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल दत्त सेमवाल जुड़ गया। अनिल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे के बाद जो है लंबे समय बाद गिरफ्तारी ये हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी हुई है अमृतपाल सिंह की और 18 मार्च से लगातार अमृतपाल सिंह फरार चल रहा था। इससे पहले जो उसका साथी है पप्पलप्रीत, उसकी गिरफ्तारी हुई थी अमृतसर से और उसके बाद अब अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया है और पुलिस के द्वारा उन्हें फिलहाल हिरासत में रखा गया है। इस पूरे मामले को लेकर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में होगी। आईजीपी सुखचैन सिंह गिल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जानकारी दी जाएगी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक वीडियो भी सामने आ रहा है, गुरुद्वारे का वीडियो है जहां पर अमृतपाल सिंह सरेंडर करने की बात कर रहा है। ऐसे में सरेंडर किया गया है या मोगा पुलिस की तरफ से खुद उसे गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी दी जाएगी। और क्योंकि एनएसए लगा हुआ है, अब से पहले भी जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें एनएसए के चलते सभी को आसाम भेजा गया है, तो अमृतपाल सिंह को भी गिरफ्तार करने के बाद जल्द ही जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बेहद जल्द अमृतपाल सिंह को आसाम भेजा जा सकता है। जी चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा और इस खबर पर और अपडेट लेते रहेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपको बता दें कि आरपीएस मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपीएस मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। थैंक यू जी। आरपीएस जी, आपसे जानना चाहेंगे सर सबसे पहले कि आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, वो जरा बताएं। देखिए, कुछ समाज विरोधी देश विरोधी ताकतों ने कुछ लोगों को गुमराह करके डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए खड़ा किया था और उन्होंने अपनी गलत किस्म की एक्टिविटीज शुरू की थी और पंजाब सरकार ने बहुत ही सूझबूझ से काम लेते हुए केंद्र को भी अपने साथ लेके उन पे एक बड़ी कार्रवाई की है और जिसका नतीजा आज सारे देश के सामने है कि वो सारे के सारे लोग पकड़े गए हैं और एक बूंद भी खून की किसी की नहीं गिरी है, किसी का माली नुकसान भी नहीं हुआ है। और ये जो अमृतपाल है जी, ये देखिए कि पहले तो पंजाब के नौजवानों को कुर्बानी के लिए उकसाता था, लेकिन जब पुलिस को फेस करने का समय आया तो वहां से भाग निकला। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आज करीब 1.25 महीने के बाद ये इसने सरेंडर किया है, तो ये पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की, कानून की बहुत बड़ी जीत है और इससे एक बहुत स्पष्ट संदेश पूरे समाज को जाता है और समाज विरोधी ताकतों को भी जाता है कि पंजाब में अब एक बहुत सूझबूझ वाली और मजबूत सरकार है और समाज विरोधी गतिविधियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो भी समाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, और जैसे कि सर हम लोग ये देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर इससे पहले जो कई मामले हो चुके हैं उस पर कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए गए थे, लेकिन अब जो है उन सभी सवालों का जवाब विपक्षी नेताओं को मिल चुका है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो पहले थोड़ा गैंग एक्टिविटीज थी वो भी जो है हम समझते हैं कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल लिंक था और वो गैंगस्टर्स भी जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही उनके नेताओं द्वारा पाले गए थे उन पे भी कड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ जो एक रूटीन में क्राइम होता है उसको भी हमारे विरोधियों ने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी जी। लेकिन अभी सारा कुछ स्पष्ट हो चुका है, सारे बादल छंट चुके हैं कि जो गैंगस्टर्स हैं वो भी अरेस्ट हो गए हैं और अमृतपाल और उसके साथी भी अरेस्ट हो गए और पंजाब में पूरी तरह से शांति है और जो पंजाब का क्राइम रेट है आज देश में बहुत लो है। इंडिया टुडे की दिसंबर की रिपोर्ट अगर आप देखें तो
उसने अगर उन्होंने गुजरात को नंबर एक पे रखा है तो पंजाब को नंबर दो पे रखा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बहुत सही। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार जो है एक कोशिश जो है वो की जा रही ताकि क्राइम ग्राफ जो है लगातार घटता रहे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें पूरे क्राइम रेट को तो इस चीज को किस नजर से आप देखते हैं, कितना पहले के मुकाबले अब बदलाव देखा गया है? बहुत बड़ा बदलाव है दीपाली जी। जी देखिए, पहले जो लीडर सत्ता में थे उनका समाज के प्रति रवैया बहुत गलत था, वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरना चाहते थे, अपना पेट भरना चाहते थे, समाज को सिर्फ गुमराह करके फालतू की बातों में उलझा के रखना चाहते थे, जिससे उन्होंने जो समाज के जो नौजवान हैं उनको रोजगार से दूर किया, रोजगार खत्म किए, उनको गलत रास्तों पे चलाया, उनको नशों के रास्ते पे चलाया, उनको गैंगिज्म के रास्ते पे चलाया, उनको विरोधियों के रास्ते पे चलाया। लेकिन अब ये जो सरकार आई है ये समाज के प्रति सुहृद है, समाज की सेवा करना चाहती है और एक रंगला पंजाब जो हम कई दशक पहले सुना करते थे उसको फिर से खड़ा करना चाहती है। सो एक तो आप देखिए कि रोजगार जो है जी वो पंजाब के नौजवानों को दिया जा रहा है, अब तक पिछले एक साल में 28,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं, जो कच्चे मुलाजम ठेके पे काम करते थे सरकारी महकमों में उनको भी पक्का किया जा रहा है, करीब 35,000 ऐसे मुलाजम थे उनको पक्का किया जा रहा है। पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, पंजाब की जो खेती है उसको जो नुकसान में चलती थी, घाटे में चलती थी, उसको फिर से प्रफुल्लित करने की कोशिश की जा रही है, स्कूलों को इम्प्रूव किया जा रहा है, अस्पतालों को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो इस तरीके से हर बहुपक्षीय जो विकास है पंजाब का वो सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पंजाब जैसे पहले देश का नंबर एक सूबा होता था वैसे ही कुछ समय में पंजाब फिर से अपनी वो स्थिति जो है उसको दोबारा से अचीव करेगा। जी मेजर जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास तो पूरा दिल्ली में भी किया गया है और ऐसे में हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति भी काफी बदली है, लेकिन अगर हम लोग क्राइम की बात करते हैं इस समय तो क्राइम को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की या पंजाब पुलिस की? दीपाली जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि मीडिया में आज मैं पहली बार किसी मीडिया कर्मी से सुन रहा हूँ, किसी चैनल से मैं सुन रहा हूँ कि दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और पंजाब में भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो समाज और समाज के जिम्मेवार लोग और खासकर मीडिया जो है उसको एक्नॉलेज करे, उसको हाईलाइट करे और समाज के सामने लाए। पहले तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, किसी भी समाज में जो क्राइम है वो तभी पनपता है जब लोगों की आकांक्षाएं जो है वो पूरी नहीं होती हैं, लोगों को जीवन जीने का रास्ता नहीं नजर आता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये तभी संभव है अगर समाज में या देश में वो नेता राज करे जो समाज को देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ना कि जो सिर्फ अपना घर भरना चाहते हैं और समाज को दबा के रखना चाहते हैं और समाज के खिलाफ साजिश करते हैं। नेता नहीं होने चाहिए। तो अभी तक पिछले 20-25 साल में हमने देखा कि गलत किस्म के नेता जो है पंजाब में हावी थे। पंजाब के लोगों ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है, एक ईमानदार सच्ची सुची सरकार पंजाब में स्थापित हुई है। दिल्ली में भी देखिए, अपनी जान पे खेल के अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही है और इसी उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए पंजाब में भगवंत मान जी की टीम काम कर रही है और वो समय दूर नहीं है अब कि पंजाब जो है एक बार फिर से पूरे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आए। जी मेजर जी, एक चीज और है, जब भी हमारे माइंड में क्राइम का थॉट आता है तो कहीं ना कहीं पंजाब का नाम भी शामिल होता है, यूपी का नाम भी शामिल होता है, लेकिन अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं ऐसे में तो क्राइम क्या खात्मा हो रहा है, क्राइम का आने वाले समय में शुरुआत हो चुकी है इस चीज की? बिल्कुल बिल्कुल दीपाली जी, आप देखिए ना, अभी दिसंबर में ही जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब का जो क्राइम रेट है वो 17वें नंबर पर है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 22 दिसंबर की जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है उसमें पंजाब को
जो है कानून व्यवस्था के नजरिए से दूसरे स्थान पर देश में रखा गया है। तो पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे वो गैंगिज्म है, चाहे वो नशे हैं, चाहे वो क्राइम है, वी हैव जीरो टॉलरेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज विरोधी तत्व हैं उनका अभी सरकार में कोई आस्था नहीं रह गया है। कम से कम पंजाब में उनको बचाने वाला कोई नहीं रह गया है जो कि सरकार में बैठा हो। पहले समय में सरकार में जो बैठे हुए लोग थे, जो मंत्री होते थे, एमएलए होते थे, वो इन क्रिमिनल्स को, अपराधियों को बचाते थे। लेकिन अभी की सरकार में सारे ईमानदार और शरीफ लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स का बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, क्रिमिनल्स को बचाने वाला कोई नहीं है। तो अभी पंजाब में क्राइम का खात्मा हो रहा है, नशों का भी खात्मा हो रहा है, गैंगिज्म का खात्मा आपने देख ही लिया है। तो आने वाले समय में पंजाब में और बढ़िया स्थिति बनने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, और ज़्यादा बातचीत की है इस मुद्दे पर। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं अनिंदा सेमवाल का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। अनिल, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मेजर आरपीएस मल्होत्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के राज में अब क्राइम का ग्राफ जो है लगातार घटता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो जिस रिपोर्ट का उनकी तरफ से हवाला दिया गया उसमें पंजाब को अच्छी स्थिति में दिखाया गया है। वहीं जिस तरीके से लगातार अमृतपाल सिंह फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी करने को लेकर लगातार सरकार पर दबाव था, पुलिस पर दबाव था, और अब जिस तरीके से सरेंडर किया गया है वो दबाव कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि 18 मार्च से लेकर लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही थी, इसमें केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा था, और लगातार जिस तरीके से दबाव अमृतपाल सिंह पर बढ़ रहा था उसी का कारण है कि उसे अंत में आकर यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दास सेमवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो हमने बात की है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर अपने सहयोगी से, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेजर आरपीएस मल्होत्रा से उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पंजाब में क्राइम का ग्राफ लगातार घटता ही जा रहा है, और आने वाले समय में बताएगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और पुलिस प्रशासन क्राइम को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।